देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 18,500 से ज्यादा केस बढ़े। देश में अब तक कुल 5,66,000 के पार मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना ने ली 418 लोगों की जान, कोरोना से अब तक 16,893 लोगों की मौत। दिल्ली में नए कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 2,000 नए मामले। दिल्ली में 85,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,680 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,69,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में सामने आए 5,257 नए मामले। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना और चीन के खिलाफ भारत की रणनीति पर मिल सकते हैं अहम संकेत। अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइन जारी, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, सिनेमा, मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी। रात के कर्फ्यू के समय में बदलाव, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू, माल ढुलाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से राहत। दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, 1 जुलाई से लागू होंगी नई गाइडलाइंस। कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम, भारत बायोटेक को मिली ह्यूमन ट्रायल की इजाजत, 2 चरणों में होगा ट्रायल। विशाखापट्टनम गैस लीक से फिर दहशत, 2 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग अस्पताल में भर्ती, 29 जून की रात को साइनोर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई थी गैस। बिहार के पालीगंज में कोरोना विस्फोट, विवाह समारोह में शामिल 95 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले कोरोना से दूल्हे की हो गई थी मौत, इसी के बाद मेहमानों की कराई गई टेस्टिंग। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था दूल्हा, सेहत खराब होने के बावजूद कर दी गई शादी, नियम के खिलाफ ज्यादा बुलाए गए थे मेहमान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज फिर मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने वाघामा इलाके में आतंकियों की घेराबंदी की, देर तक दोनों ओर से होती रही फायरिंग। डीजीपी के मुताबिक वाघामा में मारे गए दोनों आतंकियों ने बिजबेरा में एक सीआरपीएफ जवान और मासूम की हत्या की थी। बीती रात मुंबई के ताज होटल में पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल, होटल को उड़ाने की धमकी, होटल कुलाबा और बांद्रा के ताज एम्स में भी आया कॉल। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर उल्लंघन, सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कई चाइनीज ऐप पर देश भर में बैन। टिकटॉक, लाइकी, वीगो जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप आए पाबंदी की जद में, केंद्र के फैसले से कुल 59 ऐप पर बैन। कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज ऐप भी बैन, शेयर इट, क्लीन मास्टर भी भारत में नहीं चलेंगे। बैन किए गए सभी 59 ऐप पर प्राइवेसी नियम के उल्लंघन का आरोप, कई बार उठ चुका है विवाद। चाइनीज ऐप पर डेटा डाइवर्ट करने के भी आरोप, यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर में जमा करने को लेकर आए थे निशाने पर। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बताई गलवान में हिंसक झड़प की पूरी कहानी, कहा चीनी टेंट में आग लगने के बाद चीनी सैनिकों ने किया हमला। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को? 15 जून को चीनी सैनिकों की पोजीशन देखने गए थे भारतीय जवान, तय होने के बावजूद चीनी जवानों ने तब तक नहीं हटाए थे टेंट। भारत की इजाजत से चीन ने लगाया था तंबू, भारतीय फौज के पीछे हटने पर नजर रखने की दी थी दलील। चीनी सैनिकों के हमले के बाद भारतीय टीम ने और जवान बुलाए, अंधेरी रात में 500 से 600 जवानों के बीच जमकर हुई हिंसक झड़प। चीन को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का पलटवार, शाहनवाज हुसैन बोले सच्चाई बता रहे हैं जनरल वीके सिंह, कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती। जनरल वीके सिंह जी ने विस्तार से बताया है, कांग्रेस समझना चाहती है या नहीं समझना चाहती, ये देश को बताना होगा। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज फिर कोर कमांडर्स की बैठक, भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। जून में तीसरी बार हो रहा है कोर कमांडर स्तर की बातचीत, भारतीय हिस्से में चुशूल में हो सकती है मीटिंग। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात है चीनी सैनिक, इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा, 25 जून को ली गई सैटेलाइट इमेजेस। बिहार विधानसभा की 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा चुनाव, बुधवार को बिहार के नेता हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात।
बुलढाणा में काम में ढिलाई करने से नाराज किसान ने बैंक मैनेजर को जड़ा थप्पड़, केस दर्ज। इम्फाल में कोरोना को मात दे चुकी 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड, कमरे में पंखे से लटक कर दी जान। कन्नौज में स्वास्थ्य सेवाओं की फिर खुली पोल, तेज बुखार में तप रहे एक साल के बच्चे को पिता अस्पताल में चक्कर लगाता रहा, इलाज नहीं मिलने से बच्चे की मौत। कोल्हापुर में बाइक सवार ने महिला से की छेड़छाड़, लोगों ने ढूंढ कर सिखाया सबक। लखनऊ के सरोजनी नगर में दारोगा के घर पर चोरों ने बोला धावा, नकदी गहने लूटकर फरार। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने जमशेदपुर से रंजन मिश्रा नाम के नटवरवाल को गिरफ्तार किया, बड़े प्रशासनिक अफसरों के नाम से दर्जनों लोगों को चूना लगा चुका है आरोपी। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर बाइक लाद कर निकाला जुलूस। यूपी के हरदोई में टिड्डियों का हमला, कृषि विभाग और शुगर मिल ने मिलकर किया दवा का छिड़काव। श्रीनगर में सेना के जवानों ने किया रक्तदान, खून की कमी से जूझ रहे मरीजों की होगी मदद। दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक, कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में होगी सुविधा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, अम्फन तूफान की राहत को पीड़ितों तक नहीं पहुंचने की शिकायत। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कोरोना का पहला मामला, आइसोलेशन सेंटर में रखा गया मरीज। आसनसोल में खराब सड़कों के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन, घंटों तक लगाए रखा जाम। पंजाब के बरनाला में केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे को लेकर हल्ला बोल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के छात्र विंग का विरोध प्रदर्शन, कोरोना काल में परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रीवा में कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे बीजेपी के सांसद, सिर पर नुकीला मुकुट लगाकर लोगों को दो गज दूरी का संदेश। कानपुर महिला शेल्टर होम में कोरोना की घुसपैठ, 9 और बच्चों को संक्रमण, अब तक 57 बच्चियों में पाया गया संक्रमण। इंदौर में 1 जुलाई से शुरू होगा कोरोना किल कैंपेन, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू हुई खास ट्रेनिंग। गुरुग्राम में कोरोना के 6 मरीजों की मौत से हड़कंप, 3 दिन में 9 लोग गंवा चुके हैं जान, संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार। कानपुर में पुलिस की पिटाई से नाराज आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर बीच सड़क पथराव किया, कैमरे में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मजदूरों का बवाल, काम नहीं मिलने की वजह से पंचायत ऑफिस में तोड़फोड़। करौली में जमीनी विवाद में दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, करीब 1 दर्जन लोग घायल। मैनपुरी में जमीन के विवाद में 2 गुटों में मारपीट के बाद फायरिंग, गोली लगने से 1 की मौत। बालाघाट में सांप के काटने से 8 साल के मासूम समेत एक ही परिवार के 3 लोग की गई जान, सोते वक्त हुआ हादसा। चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली में बदला मौसम, आसमान में छाए हैं बादल। बिहार में पूरी रफ्तार में है मॉनसून, बारिश की वजह से पटना में कई जगह पर भरा पानी। महानंदा और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, कई जिलों में मंडराया बाढ़ का संकट। उत्तराखंड में झमाझम बारिश, देहरादून में आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश, जलमग्न हुआ आसनसोल स्टेशन का इलाका, रेल यात्रियों की बड़ी मुसीबत। पुणे में जोरदार बारिश की वजह से नीला नदी में बाढ़, बंद की गई सड़क। बारिश से पानी पानी हुआ हैदराबाद शहर के कई इलाकों में, पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। असम में भारी बारिश के बाद जारी है बाढ़ के हालात, 23 जिलों के करीब 10 लाख लोग प्रभावित। भारी बारिश में बह गई उत्तर सिक्किम की कई सड़कें, चीन सीमा तक जाने का रास्ता हुआ ठप। दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा का कैंडल मार्च, एक्टर सुशांत की खुदकुशी केस में सीबीआई जांच की मांग। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को मिल रही है रफ्तार, विदेशी निवेशकों ने जून में 21,235 करोड़ का निवेश किया। 1 जुलाई से एटीएम ट्रांजैक्शन पर बैंक वसूलेंगे पुराना चार्ज, 30 जून 2020 को खत्म हो रही 3 महीने छूट की म्याद। आईआरडीए ने बीमा कंपनियों से कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लाने के लिए दिए निर्देश, 50,000 से 5 लाख तक का इलाज होगा कवर। एफएमसीजी कंपनियों को ग्रामीण इलाकों में मिल रही है रफ्तार, शहरों की तुलना में ज्यादा है मांग। कोरोना संकट के वक्त अमेजॉन की बड़ी पहल, 20,000 लोगों को भारत समेत कई देशों में रोजगार देगी कंपनी। बायजूस हुआ डेगाकॉन क्लब में शामिल, 10.5 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर ब्रांड कैपिटल ने किया निवेश। साल 2020 की दूसरी छमाही में सैमसंग की नई उड़ान, 2 नए फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है कंपनी। फेसबुक ने जारी किया अलर्ट, अफवाह या गलत जानकारी फैलाने वाली पोस्ट पर होगी कड़ी कार्रवाई। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में अपनी डिटेल स्टोर करेगी बंद, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होगा कंपनी का पूरा फोकस।
पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में घुसे आतंकवादी, सुरक्षा बलों ने चार को किया ढेर। कराची आतंकी हमले में चार सुरक्षा गार्ड और एक पुलिसकर्मी की भी मौत, आतंकवादियों ने ग्रेनेड से भी किया हमला। स्टॉक एक्सचेंज में घुसे आतंकवादियों ने झांसा देने के लिए पहन रखी थी पुलिस की वर्दी, भारी मात्रा में हथियार बरामद। दुनिया में 1,02,58,000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, 5,04,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का कहर, एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि। अमेरिका में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 26,37,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। लगातार तीसरे दिन अमेरिका में सामने आए 40,000 से ज्यादा नए मामले, न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जारी की चेतावनी। अमेरिका के कई प्रांतों में कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल, लॉस एंजलिस में 5.8% से बढ़कर 9% तक पहुंची संक्रमण की दर, टेक्सास में 13%। एरिजोना में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए घर से निकले लोग, भीड़भाड़ की वजह से कोरोना के संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधाओं की मांग को लेकर नाराजगी। इंग्लैंड के लीस्टर में लगाया जा सकता है लॉकडाउन, कोरोना की वजह से 650 नए मामलों ने बढ़ाई सरकार की परेशानी।